नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एनके राठौर और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके फर्नीचर में। और आप इस वीडियो में जानोगे कि ये जो हमारी रंदी है दोधारी और इसे कैसे बनाते हैं, तो पूरी डिटेल मिलेगी इसके वीडियो के अंदर। और आप कहां से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि इसे आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है। और हमने इसमें आपको ये ऐसे नहीं मारनी चाहिए, हमने इसमें एक स्पेशल जुगाड़ बनाया है इसको खोलने का। जैसे कि हमारा है तो कोई चीज़ इसमें डाल के और आप इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपकी पार्टी खुल जाएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लकड़ी ले लेनी है, जैसे मैंने ले रखी है। लंबाई में है इसकी 8 इंची है और मोटाई है इसके 2.25 इंची से हल्की 2 इंची 3 सूत है, आप कितना जाओ ले रह सकते हैं। और मोटाई मैंने इसकी रखी है 9 सूत, यानी कि 1 इंची 1 सूत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो आगे का हिस्सा है ना उसको निशान लगाएंगे। तो मैं फ़िलहाल के लिए 2.25 इंची पे निशान करूँगा और गुनिया से इसको खींच लूँगा और यहाँ पे एक निशान करूँगा 1.5 सूत का, 1.5 सूत रख दूँगा फिलहाल। ये हो गया मेरे। अब मेन चीज़ आती है कि इसका अपने को क्रॉस कितना रखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे कि एक मेरी ये छोटी रंदी है तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं 1 इंची 3 सूत पे क्रॉस खटी खोदी हुई है, तो ये थोड़ा हार्ड चलती है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने 45 डिग्री में खोद देना है। जैसे कि जो मेरा ये 2 इंची 3 सूत आ रहा है तो अपन यहाँ से 2 इंची 3 सूत पर ही इसको खोदेंगे, ठीक है। एक आप निशान कर लेना ये वाला। इससे क्या है, अभी मैं इसको चला के बताऊंगा तब आप देखना, एकदम इजी काटेगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई मेरी। अब आपको यहाँ से और इसका निशान कर लेना है, ये वाला, ये हो गया अपना ब्लेड का निशान, ठीक। और यहाँ से इसको 1/2 इंची का हम फाड़ी का निशान रखेंगे और इसको यहाँ से मिला के पॉइंट से और इसका गुनिया से निशान कर दिए। ये हो गया, ये दोनों निशान मैं ऐसे उतार लूँगा यहाँ पे, यहाँ पे, और इसको सीधा कर दूँगा। अब इसको अपन को साइड में माल 2.5 सूत छोड़ना है, जैसे कि यहाँ पे मैं 2.5 सूत निशान कर लेता हूँ और इधर से वापस 2.5 सूत निशान कर लूँगा। तो ये क्या है, जैसे मेरे 9 सूत है तो 2.5 सूत इधर चला गया, 2.5 सूत इधर चला गया, तो 5 सूत हो गया, 4 सूत मेरे अंदर 1/2 इंची भाई 5 सूत की एक मेरी फाड़ी लग जाएगी, ठीक है। तो बड्डी से निशान कर लेना है आपको। ऐसे निशान कर लेना है जैसे मैंने कल रखी है। अब मेरे पास एक बगली रंदी पहले से बन के तैयार थी, तो मैंने इसको और हल्का सा, जो ब्लेड लगाने का हमारा सिस्टम होता है ये आप देख रहे होंगे, इसको मैंने थोड़ा और झुका दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना ये ब्लेड क्रॉस होएगा, मतलब 45 डिग्री में होएगा ना, तो उतना ही आपके काटने में ईजी चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने सारे निशान कर लिए हैं। अब आपको एक ऐसा खड्डा करना पड़ेगा, ये बिट आता है ना हमारे एल बिहारी का, तो इससे अपन को यहाँ पर ये निशान बचा के यहाँ खड्डा कर लेना है, ठीक है। तो हम इसमें खड्डा कर लेंगे। ड्रिल मशीन से हॉल निकालूंगा ऐसे क्रॉस करके, अगर आपसे ड्रिल मशीन से ना होए तो आप इसको चौरसी से आराम आराम से करके कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कई बार किया है आपको पता है, तो मैं एक बार के लिए इसके अंदाज से ड्रिल मशीन चला दूंगा तो ये मेरे हॉल निकल आएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस नाली, इस दोनों निशान की और ड्रिल का जो बिट है हमारा एकदम सीधा रहना चाहिए, तो आप भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो ये इसी पकड़ के यही कराना है आपको। ब्लेड का हम थोड़ा सा जिक्सा से काट लेंगे, ये
ये वाला भी कट लगा लेना है आपको ऐसे ही जैसे मैंने लगा रखा है, और ये इसको आपको सीधा करना पड़ेगा। ये हल्का सा मेरे इधर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको पॉइंट से मिला देंगे यहाँ से सीधा, ताकि यहाँ पे अपना पूरा ब्लेड टिक जाए। अब आपको ये निशान थोड़ा सा जिंदा रख के इसको पहले सीधा उतार लेना है, जैसे हल्का बचा बचा के ध्यान। हॉल करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हॉल आपको आराम आराम से करना है और सावधानी से करना है, क्योंकि मेन चीज़ अगर आपका हॉल ख़राब हो गया तो रद्दी ख़राब हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी बनाने में आसानी रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जब हम कोई फर्नीचर से जुड़ा हुआ वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसको ध्यान से बचा बचा के साफ कर लेना है, ताकि टूटे उठे ना। अब हमको यहाँ पे गुनिया से निशान करके, और जो हमारा ये जहाँ पे ब्लेड लगेगी इसको फाइल से बढ़िया अच्छी तरीके से एकदम घिस। अब हमारी इसकी लगभग खुदाई हो चुकी है, और अब हम इसके नीचे लगाएंगे एक लोहे की पत्ती, जो मेरे पास पत्ती है 5 mm मोटी है, क्योंकि लोहे की पत्ती हम लगाने से क्या होगा कि हम जब इसको चलाएंगे ना तो ये लकड़ी क्या चलते चलते घिस जाती है, तो ये बार बार ठीक नहीं होगी। तो इसको अपन एक बार के लिए लोहे की पत्ती को सेट करके इसको काट के और फिर इसके फाड़ी वाड़ी बना के लगाते हैं। हमने दो पत्तियां काट ली है, ये आगे वाली की हमने 2 होल की है, पीछे वाली की हम 3 होल कर लेंगे। तीनों हॉल कर लिए, अब इसके 3 सूत के बेट से गर्ज जिससे स्क्रू लगाने में आसानी रहेगी। अब आपको इस प्लेट को टाइट कवर करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, इसका पैल और इसका पैल हमें बराबर चाहिए। जैसे कोई ब्लेड या ऐसे डाल के ये चीज ऐसे फेस करके और इसके स्क्रू टाइट कर देंगे हम, और चौड़ाई में दोनों तरफ बराबर रख लेंगे। आप पेट बड़े भी लगा सकते हैं। ये जो नीचे वाला है यहाँ से अपन इसको फेस करके जिसमें इतनी अपनी ब्लेड आराम से आ जाए, इजी आ जाए, ये समझ रहे हो ना, ये ऐसे ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे अपन और इसके भी 2 पेच टाइट कर देते हैं। अब हमने ये दोनों पट्टी टाइट कर ली है, और ये हल्की सी पट्टी हमारी लोहे वाली थोड़ी सी बाहर है, तो हम इसको ग्राइंडर से घिस लेंगे। Thank you.
जैसे कि हमारा घिस घिसा के तैयार है, अब आपको इसके जो ब्लेड होती है, तो आपको मैंने जैसे कि मेरा 1.5 इंची ब्लेड चौड़ा था, तो इसको मैंने 1 इंची जो रद्दा का जो अपना नीचे वाला हिस्सा आ रहा है इससे थोड़ा सा 1-2 mm ज़्यादा है, तो 1 mm इधर ज़्यादा रह जाएगा, 1 mm इधर ज़्यादा रह जाएगा, ठीक है। अब जैसे अंदर मेरा हॉल आ रहा है 1/2 इंची, तो मैंने इसको 1/2 इंची में आधा सूत कम रखा है, 3.5 सूत का ये जो मेरे नीचे अंदर की तरफ माल रह जाएगा, तो मैं इसको अभी ग्लेंडर से काट लेता हूँ। अगर आपके पास कटा हुआ मिल जाए तो अच्छी बात है, वैसे तो ये बनाना ही पड़ता है इसका बिट। तो और यहाँ से हम 1.5 इंची का आगे छोड़ेंगे और ये माल हट जाएगा, ये इसकी हमारी अंदर रोड हमें चाहिए, तो इसको हम एक बार के लिए ग्लेंडर से काट लेते हैं। वह हमने जैसे कि इसकी ब्लेड तैयार कर ली है, जैसे आपको इधर से डालना होता है तो ये वाली ब्लेड तार तैयार कर ले। और अब हमको एक ज़रूरत पड़ेगी इस फड्डी की, तो हमें एक ऐसी लकड़ी ले लेनी है, इसके अंदर फड्डी घुसा के और बस इसको चला के देखते हैं, ठीक है। फड्डी बना लेंगे हम, जैसे कि हमने बड्डी का निशान कर लिया है, तो ये वाला माल हमको बचाना है और ये साइड से हमको निकालने देनी है, जो हमारी फड्डी उसके अंदर 1/2 इंची की जाएगी, तो हम इसको आरी से काट लेंगे। एक बार हमने ये इसकी जो डाट है एक बार निकाल ली है, थोड़ी सी लूज है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये जो सीधा आ रहा है तो इसको भी ऐसे कट निकालना पड़ेगा, तो अपने आराम से ये बैठेगी, ठीक है। ऐसे ही इधर निशान कर लिया मैंने, तो मैं इसको इस तरीके से काटूंगा। इसको हल्का सा पेपर से सीधा घिस लेंगे हम, जैसे हमने इसकी फाड़ी सेट कर ली है। और आगे से आपको ये पॉइंट ऐसे रख देना है, अभी हमारी ये थोड़ी सी फाड़ी बड़ी है, तो हम इसको एक बार के लिए काट लेते हैं थोड़ा सा इतना। जैसे हमने काट लिया है, अब इसको जो जहाँ से हम ठोकते हैं, तो इसको ऊपर से पैर पाल लेना है आपको, ताकि अपने करते हैं इस फाड़ी में खोलने का। मेरे पास एक देसी जुगाड़ है, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा ए टाइप का ठोक देते हैं, तो उसमें फिर हथौड़ी से अपन जैसे ऐसे खोलते हैं ना, तो ऐसे नहीं खोलना चाहिए। ये जो कट है ना, ये वाला थोड़ा जहाँ फाड़ी टाइट होगी मेरी अभी इस जगह, तो इतना बढ़ा के रखना चाहिए। फिर आपको कोई पतली चीज़ से कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐसे इसको रखिए और इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए अपनी ये फाड़ी बाहर निकल के आ गई, ठीक है। अब ये रंदी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें पेताम निकली है, इसमें चला के देखते हैं कैसी बनी है। देखिए बिल्कुल सही बनी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्नीचर से जुड़े वीडियो आपको यहाँ मिलते रहते हैं, वो भी नए तरीके के साथ।